अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपका फिर से। और आज मैं लेकर आई हूँ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हम देसी घी बनाते हैं उसके बाद की जो खुरचन बच जाती है, जो अक्सर होती मतलब मावा है, लेकिन इसको खुरचन भी बोलते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल मावे की तरह होता है, जो एकदम भुना हुआ डार्क रंग का जो मावा होता है। तो इससे आज हम बनाएंगे मिठाई, लेकिन आज हम इससे पिज़्ज़ा मिठाई बनाएंगे। तो हम चलिए अपनी रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ कि हम किस तरह के इससे पिज़्ज़ा मिठाई बनाते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बाहर की मिठाइयाँ भूल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई ले ली है और उसमें हमने इधर लिया है दूध, ये कच्चा दूध है, तो पहले मैं इसको बॉईल कर लूँगी। ये हाफ़ लीटर दूध लिया है मैंने, जो हाफ़ लीटर की पैकेट आती है ना, ये पूरी वो ले ली है। बस इसको बढ़िया करके खूब बॉईल कर लेना है, और जितना हम बॉईल करते हैं दूध उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें इसको पका लेना है, मीन्स थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ताकि इसका टेस्ट भी और ज़्यादा डेवलप हो जाए इसमें दूध में। और इसकी साइड्स को आप स्क्रेप करते हुए आप मतलब दूध को बॉईल कर लीजिए। देखिए दूध काफ़ी बॉईल हो रहा है, ज़्यादा भी नहीं करना है, मीन्स 5-7 मिनट और एक्स्ट्रा बॉईल कर लीजिए आप जो हम दूध बॉईल करते हैं। और अब डाल दीजिए इसके अंदर जो मावा है ना, इसको इसमें ऐड कर दीजिए। तो सभी मावा मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और अब इसको नाइस मिक्स दीजिए, हल्के हल्के हाथों से इसको चला लीजिए। तो देखिए एकदम से दूध इसमें ऑब्ज़र्व होने लगा है। तो इसको अब आपको चलाते हुए इसको पकाना है। इसको थोड़ा स्टर करिए बीच बीच में, और देखिए अब ये और ऑब्ज़र्व हो चुका है। और इसको इस तरीके से चलाते रहिए क्योंकि ये थोड़ा सा लगने लगता है बाद में। और अब हम डालेंगे इसमें शुगर, तो मैं 1 कप शुगर डाल रही हूँ। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, कैसा मीठा पसंद करते हैं। हम थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं तो इसलिए हमने शुगर इसमें थोड़ा कम ही रखा है। आप इसको बीच बीच में टेस्ट करते रहिए और इसको ऐसे चलाते रहिए थोड़ा सा, इसका कलर जब तक थोड़ा और डार्क ना हो जाए और ये आपस में एक टाइट मिक्सचर ना बन जाए थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसे सेट करना है। तो अब देखिए ये मिक्स होने लगा है, सेट होने लगा है। जब आपको लगे कि हाँ ये खट्टा होने लगा है तब आप गैस की फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सा लग जाता है, बस ये वही उसके बीच बीच में से डार्क कलर जो दिख रहा है। तो अब ये सेट हो चुका है, अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब इसको सेट कर लेते हैं। तो मैं एक प्लेट ले रही हूँ क्योंकि हमें गोल शेप का इसको सेट करना है, तो इसलिए प्लेट ले रही हूँ। आप जिसमें चाहें उसमें सेट कर सकते हैं। तो इसको सेट कर लीजिए स्पैचुला की हेल्प से, बहुत अच्छे से सेट होता है। ये डार्क डार्क थोड़ा मावा लग गया था, आप इसको चाहें तो रिमूव कर सकते हैं जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो देखिए कितना बढ़िया सेट हो जाएगा ये 1 मिनट में ही, तो बढ़िया सा सेट हो चुका है। तो अब हम इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें लगाते हैं चांदी का वरक। वैसे तो इसको हाथों से नहीं छूते क्योंकि अगर हाथ से अगर आप छुएंगे ना इसको तो उंगली में ही चिपक जाता है, तो आप इसको फिंगर से नहीं छुएगा, इसी कागज़ की मदद से ही इसको चिपकाइएगा। तो अब कट कर लेते हैं पिज़्ज़ा की शेप में इसके सारे पीसेस। तो देखिए पिज़्ज़ा की शेप में हमने इक्वली इसके सारे पीसेस कट कर लिए हैं, तो कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना पिज़्ज़ा मिठाई। तो मैं आपको इसका एक बाइट एक पीस उठाकर दिखाती हूँ। तो खाने में बहुत टेस्टी थी, इस बार मैंने इसको डिफरेंट शेप दी है ताकि और अट्रैक्टिव लगे। और आप ये ज़रूर बनाइएगा, आप अपना देसी घी का जो भी खुरचन होता है उसको वेस्ट मत करिएगा। अगर आप घी निकालते हैं तो इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आपका फिर दिल करेगा कि आप देसी घी के खुरचन को कभी वेस्ट ही नहीं करेंगे, हर बार कुछ रेसिपी उससे बना लेंगे। तो इतनी टेस्टी होती है ना कि आप बाहर की मिठाइयाँ भी खाना भूल जाएंगे। एकदम प्योर है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर है, आपकी आँखों के सामने बनी हुई है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती हो और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके वॉच करिए, तो इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा,
और एक कमेंट भी दे दीजिएगा, अपना फीडबैक भी आप मुझे दे सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को ओपन करके अंदर जाकर ही प्लीज़ देखिएगा। और तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। एंड मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, इन्जॉय।